नमस्कार बंधुओं, हम गए हैं कोटा जंक्शन। समय है 11 बजे का। हम आज देखेंगे यहाँ की चलती हुई सीढ़ियाँ, यानी कि एस्केलेटर्स, जो कि हमेशा बंद ही रहती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को जाने वाली ये एस्केलेटर्स, एक चल रही है, एक बंद है। आज इन्होंने शायद ये भी लगा दिया कि हम यहाँ काम कर रहे हैं। इससे पहले तो खैर ये भी नहीं था। ऊपर इंजीनियर्स खड़े हैं, उनसे बात हुई मेरी, तो बोलते हैं कि हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए रोकी है इसको, वेलिंग के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई 3 महीने से बंद है, लेकिन मैं बस फोटो नहीं है मेरे पास में, वरना मैं आपको दिखाता। तो हम बड़ी बेशर्मी से हंसने लग गए। खैर चलिए, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर चीज़ लगी है तो उसको कम से कम मेंटेन तो किया जाए। और ये जो दो भाई साहब आप देख रहे हैं नीचे बैठे हुए, ये हैं ऑटो वाले भैया। स्कूटर डायरेक्ट का यहीं आ रहा है, ये भी सही है। ये ऑटो वाले भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अब होता ये है कि जैसे ही गाड़ी आती है, ये सीधे भाग के जाते हैं अंदर, जबकि इनको अलाउड नहीं है इतना अंदर जाना। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम जा रहे हैं। यहाँ एस्केलेटर्स का हाल देख लीजिए आप। हर पैसेंजर अपना सामान 50 डिग्री टेम्परेचर में खुद उठा के लेकर आ रहा है। पास में एस्केलेटर है लेकिन वो चलती नहीं है। कब से नहीं चल रही है? 3 महीने से। कौन जिम्मेदार है? पता नहीं। सही होगी? पता नहीं। देखें आप, सारे पैसेंजर्स अपना सामान लेकर आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, एस्केलेटर की कोई सुविधा नहीं है। और ये एंट्री हमारे हीरो ऑटो वाले की, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुके हैं इतने अंदर तक, जबकि इनको इतना अंदर आना अलाव ही नहीं है। तो वो कुलीज का भी कहना सही है कि ये ऑटो वाले यहाँ तक आ जाते हैं और पैसेंजर एस्केलेटर से चढ़ के ऊपर आ जाता है अपना सामान लेके, ऑटो वाला ले जाता है। तो बढ़िया, एस्केलेटर्स बंद पड़े रहे, किसी काम तो आते नहीं है। ऐसे पड़ा नहीं, किसी के काम आ रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, किसी इस बच्चे से पूछते हैं, बच्चे ये एस्केलेटर क्यों बंद है? मैंने इसे पूछा एस्केलेटर क्यों बंद है, तो बोल रहा है मुझे क्या पता। बात भी सही है। तो हालांकि कुलियों का भी ये समस्या है। उन्होंने बोला कि भाई एस्केलेटर से हमारा धंधा चौपट हो गया। मैंने उनसे कहा आप बाहर तक तो ले जा सकते हैं ऑटो जहाँ पर छोड़ेंगे। बोले ऑटो वाले जब यहाँ आके ले जाते हैं तो हम कैसे लेके जाएंगे। और ये चमत्कार देखिए, मेरे हाथ में फोटो कैमरा देख के, ये आपके एस्केलेटर 3 महीने में पहली बार चलती हुई देख रहा हूँ। आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये कब तक चलती रहेगी ये कुछ कह नहीं सकते। ये हमारा कोटा सिटी है, स्मार्ट सिटी है, और कोटा स्मार्ट सिटी का ये स्मार्ट हमारा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से दुनिया भर के पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के एडमिशन कराने, और इन्हीं एस्केलेटर से उतर के आते हैं पैदल चल के। हालांकि एस्केलेटर चलते नहीं है तो वो सीढ़ियों की तरह यूज करते हुए आते हैं। आज की 3 जून 2017 की एस्केलेटर दोबारा से बंद है। ये आज मॉर्निंग की फुटेज है, मॉर्निंग में 8:30 बजे ये आज भी बंद हुए।